हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ प्रेम और आप सबके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो कथा, राजस्थानी कथा सिखाने वाला हूँ आपको, तो सबसे पहले उसकी राग आपको मैं सुनाने वाला हूँ कि उसकी राग क्या, उसके बाद में इसका स्केल देखेंगे। तो दोस्तों, मैं इस कथा को आपके सामने 3:30 से गा रहा हूँ। आपको अपने स्केल में गाना है। स्केल और सुर की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इस कथा की जो राग है वो कैसी है। बागने हाँ बागने बगीची दोयर पावड़ी समरिया मारा रे राई चंपेली रो फूली रे। बागने बगीची दोयर पावड़ी समरिया मारा रे राई चंपेली रो फूली रे। बंसी भूलिया द्वारकाए राधा रानी ये जावा बंसुरी यारी लारी रे। तो दोस्तों, ये थी बाला चूंडड़ी, बहुत पॉपुलर कथा भजन कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों, मैंने इसको बजाया 3:30 से। अब दोस्तों, स्केल बिल्कुल सिंपल वाला स्केल इसके अंदर लगेगा और बहुत प्यारी धुन है इसकी, वो भी मैं आपको बीच में सिखाने वाला हूँ। तो स्केल लगेगा इसमें सारे मापा दा सा वाला स्केल लगेगा। कौन सा? सारे मापा दा सा वाला। और पूरी कथा की तर्ज इसी तर्ज पे चलती है लगभग। तो स्केल हो गया सारे। यानी स्केल हो गया सारे मापा दासा, सारे मापा दासा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है वो देखते हैं, उसके बाद में इसमें जो ट्यून बजती है उसको भी आसानी से अपन देखेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी बात बता रखी है आपको कि जब भी आप अपने हारमोनियम पे अपनी अंगुलियां रखते हैं, जिस भी सुर को आप मान रहे हैं, तो उसके अंदर अपने को क्या करना, सापा ये, या फिर इसका ऊपर का यह सापा ये, इस तरीके से आप अपनी अंगुलियां चलाएंगे तो एक अपने हारमोनियम के अंदर एक जो मिठास है वो आएगा। बिल्कुल देखिए, इस तरीके से अपने को उंगलियां चलानी तो एक बिल्कुल क्वालिटी आएगी हारमोनियम में, आवाज के अंदर क्वालिटी आएगी और जो राजस्थानी पैटर्न है वो उभर के सामने आएगा। तो दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। हाँ, सांप पे आवाज चल रही है, आला पे जो सांप ही चल रहा। बागने 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 बगीची दो यारे। बिल्कुल देखो, अंगुलियां गई और वापिस आई है। बागने बगीची दो यारे सारे मा पा वापिस पा मारे सा गई और वापिस आई, उतार चढ़ा हुआ है खाली देखो। बागने बगीची दो यारे बागने बगीची दो यारे बागे बागने बगीची दो यारे। क्या लग रहा है? माँ बावड़ी सांवरिया महारा
लाइन 1 सुर पे काफी देर तक टिकी रहती है, देखना। हाँ बागने बागी थी दो यारे, बावड़ी सांवरिया मारा रे राई, चंपेली रो फूली रे। डाना डाना ना ना ना, अगली ट्यून यही चलेगी बाद में। बावड़ी सांवरिया मारा रे राई, चंपेली रो फूली रे। ध्यान देना वापिस कौन कौन से सुर लग रहे हैं। बावड़ी सांवरिया, बावड़ी सांवरिया, मा मा रे मा पा, मा रे मा पा, देखो। बावड़ी सांवरिया मारा रे राई, पा मारे। बावड़ी सांवरिया मारा रे राई, चंपेली रोई फूली रे। वापिस देखेंगे। हाँ बंसरी भूलिया रे जूनी, सेम पैटर्न चल रहा है, आना उतार और चढ़ाव हो रहा है। बंसरी भूलिया रे जूनी, द्वारे द्वारे काए राधा रानी ये जावा, बंसुरी यारी लारी रे। बंसी भूलिया रे जूनी, ना 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 ना, यानी ट्यून है जो अपने दिमाग के अंदर चलनी चाहिए, तभी जाके सुर मतलब मिलेगा अपने को। हाँ बंसी भूलिया रे जूनी, बंसी भूलिया रे जूनी, बंसी भूलिया रे जूनी, द्वारे कहे राधा रानी ये जावा, बंसुरी यारी लारी रे। सारे पा, ये टून इस पे चल रही, देखो। सारे पा हा ला ना 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 ना, यानी ट्यून की जो धुन है वो भी अपने दिमाग में होनी चाहिए। बहुत आसान ट्यून है और बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे भजनों के अंदर, जिन भजनों के अंदर सारे मापादा स्केल लग रहा ना, उन सब में इस ट्यून को आप बजा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको आप बजाना सीख जाएंगे। वापस देखते हैं एक बार। इस तरीके से ये ट्यून चलेगी। तो दोस्तों इसके अंदर स्केल जो लग रहा है वो लग रहा सारे मापादा स्केल। अब मान लो इसी को आप तीसरी काली से गाना चाह रहे हैं तो सारे सारे मापादा सा, ये स्केल हो गया। चौथी काली से आप गाएंगे तो चौथी काली से सारे मापादा स्केल कहाँ से हो जाएगा, ये सारे म पा दा सा, ये स्केल हो जाएगा सारे मापा दा सा। ये स्केल हो जाएगा। तो इस
तरीके से ये पूरी जो कथा है इस पर चलेगी, सारे मापदा स्केल पे, और बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। धन्यवाद।